गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज़ रीना सिंह। आई एम एन असिस्टेंट टीचर ऑफ डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद। टुडे वी शैल स्टडी इंग्लिश हनीकॉम फॉर क्लास 7th। टुडेज चैप्टर इज द इंटरेस्टिंग पोएम द शेड। तो आज हमारी जो चैप्टर होने वाला है वो है पोएम शेड। तो शेड मतलब छाया या छप्पर या हमारा निवास स्थान जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये शेड जो निवास स्थान होता है वो अलग अलग जीवों का, जानवरों का अलग अलग तरह का होता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक एकांत जिसमें घर में कोई नहीं रहता, तो जो राइटर है हमारा पोएट है वो उस घर के बारे में क्या सोचता है। तो आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से समझते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो द शेड यानी छाया या रहने का स्थान। तो पोएम को पढ़ने से पहले उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहती है पोएम। Do you know what a shade is? क्या आप जानते हो कि शेड यानी छप्पर छाया क्या होती है? A cow shed, a tool shed, a wood shed for example। उदाहरण के तौर पर जहाँ पर cow shed यानी जहाँ गाय रहती है, a tool shed जहाँ पर सामान रखे जाते हैं, a wood shed यानी जहाँ लकड़ी रख जाती हैं, ये इससे क्या है उदाहरण है। It is a small room away from the main house for storing or keeping things, animal, tools, vehicles, etc. ये जो पोएम है ये है एक छोटे से कमरे के बारे में जहाँ पर क्या हो सकता है जो घर के थोड़ा सा दूर होती है, फॉर स्टोरिंग यानी सामान को रखने के लिए, और कीपिंग थिंग्स वस्तुओं को जो आपके अदर एक्स्ट्रा सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं उन्हें रखने के लिए, एनिमल्स औजार या जो व्हीकल्स यानी जो वाहन होते हैं गाड़ी मोटरसाइकिल आदि रखने के लिए एक अलग जो रूम होता है वो भी हो सकता है, उसे भी हम शेड बोलते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ़ सी हैज़ एवर सीन अ शेड। आप अपने पार्टनर यानी क्लासमेट सहपाठी से बात कर सकते हो यदि आपने कोई ऐसी शेड देखा हो तो, या मकान या घर देखा हो तो। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उसे कहाँ क्लास में कक्षा में आप उसका वर्णन कर सकते हैं कि वो किस तरह का था। तो अब ये हम रीड द पोएम, पोएम को पढ़ते हैं तो उसमें भी एक ऐसे ही शेड के बारे में बताया है कि वो बिल्कुल घर से बहुत दूरी पर है। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। ये जो शेड है ये क्या है हमारे गार्डन के बीच में है। विद अ स्पाइडर वेव, और उसमें क्या है स्पाइडर वेव यानी मकड़ी के जाले हैंगिंग लटके हुए हैं अक्रॉस द डोर, पूरे दरवाजे पर मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। जो शेड यानी जो घर है वो हमारे गार्डन के जो बीच में है। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रेक इन द वाइंड, और जो उसके हिंग्स यानी जो कब्जे हैं जो जोड़ हैं बहुत ही क्या है कमज़ोर हो गए हैं, गंदे हैं, और क्या होते हैं क्रैक इन द वाइंड, जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं और उसमें से क्या आती है आवाज़ आती है यानी वो चरमराते हैं। व्हेन आई एम इन बेड अलाई एंड आई लिसन, जब मैं बिस्तर पर लाई में सोना या लेटता हूँ और तब मुझे आई लिसन मैं उसे सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं क्या करूँगा आई विल ओपन एक दिन उसे खोलूँगा, उस दरवाजे को एक दिन मैं खोलूँगा। जो राइटर कह रहा है जिसे वो शेड नज़र आ रहा है अपने गार्डन के बीच में, वो कह रहा है कि वो बहुत ही उस पर मकड़ी के जाले लटक रहे हैं, बहुत गंदा है और हवा चलती है तो उसमें से आवाज़ आती है और मैं उसे सुनता हूँ जब मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ या लेटता हूँ। तो वो कह रहा है मैं एक दिन उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा कि उसके अंदर क्या है। तो आपको इस चित्र में जो शेड दिखाई दे रहा है वो इसी शेड की इसी घर की बात कर रहा है पोएट इस पोएम में। देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द शेड शायद, जो ये घर है इसके बराबर में जो विंडो है चारों तरफ वो क्या हो गई बहुत पुरानी और गंदी हो गई, डस्टी ओल्ड यानी बहुत पुरानी और गंदी हैं। विथ थ्री क्रेक्ड पैंस ऑफ ग्लास, ग्लास यानी शीशे, शीशे के क्या पड़े हुए हैं उस पर चढ़े हुए हैं दरवाजे चढ़े हुए हैं जो भी क्या हो गए हैं क्रैक यानी चरमरा गए हैं टूट गए हैं।
I often think there is someone staring at him. I often think, often means अक्सर, मैं think में सोचता हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ, there is someone के वहाँ पर कोई, staring यानी होता है टकटकी लगाकर देखना, at me मुझे कोई घूर कर देख रहा है. Each time that I pass, और प्रत्येक समय ऐसे ही गुजर जाता है. I will peep through that window one day. I will peep, peep में होता है झांकना, और that window यानी उसकी खिड़की से, one day एक दिन, मैं उसकी खिड़की से एक दिन ज़रूर अंदर झांकूंगा. My brother says there is a ghost in the shade. My brother says यानी मेरा भाई कहता है कि there is a ghost in the shade, के उस शेड के अंदर यानी उस घर के अंदर क्या है, कोई घोस्ट यानी भूत रहता है. Who hides under the rotten floor boards? और वो क्या करता है, hides means छुपा के रखता है, under means अंदर, rotten means बासी, floor boards means वो रोटियां उसके छत के अंदर, उसकी बासी रोटियां छुपा के रखता है. And if I ever dare to set foot inside, और इसलिए I ever dare, मेरी कभी हिम्मत नहीं होती set foot inside यानी उसके अंदर कदम रखने की. He will jump out and chop off my head. He will jump out यानी वो बाहर आएगा, और chop off my head यानी मेरे सिर पर हाथ रखेगा यानी हाथ फिराएगा. But I will take a peek one day, लेकिन फिर भी मैं क्या एक दिन उसे ज़रूर देखूँगा. I know that there is not really a ghost. I know, मैं जानता हूँ कि there is not के वास्तव में, really वास्तव में कभी कोई भी ghost यानी भूत वगैरह, प्रेत वगैरह नहीं है. My brother tells lies to keep the shade for his den. मेरे भाई ने जो क्या बताया है, tells lies to keep, इस जो घर है इसके बारे में क्या झूठ कहा है. There is not anyone stirring or making strange noises. There is not anyone यानी वहाँ पर कोई भी stirring, कोई भी नहीं देख रहा है हमें, और ना ही कोई strange यानी विचित्र सी आवाज़ें निकाल रहा है. And the spider has been gone from his web. और जो स्पाइडर है, मकड़ी है, वो अपने वेब से बाहर जा चुकी है. Since I don't know when I will go there, go into that shed one day soon. I don't know then, मैं नहीं जानता कि मैं कब उसके अंदर जाऊंगा, कब उस घर के अंदर देखूंगा, लेकिन फिर भी I will go that shed one day, लेकिन मैं एक जल्दी ही, soon means जल्दी ही एक दिन उस घर के अंदर जाऊंगा. But not just yet, और फिर भी मैं ये काम करूंगा. तो हमने देखी, हमने ये पोएम पढ़ी बहुत अच्छे से. इसमें देखा हमने कि बच्चा जो पोएट है वो क्या एक चाइल्ड है, और वो किस तरह से अपनी क्वेरी कर रहा है, जिज्ञासा है उसके अंदर उस घर को देखने की, और वो किस तरह से उसके बारे में नोटिस करता है जो वीरान यानी अकेला घर पड़ा हुआ है, टूटा फूटा हुआ. तो आपने भी आसपास कहीं देखा होगा ऐसा घर, और उसके बारे में सोचेंगे और लिखेंगे. तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. इस पोएम को 100 से 2 बार वीडियो देखें चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए.